हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है देसी गेमर्स के बारे में। तो खुद अमित भाई शायद कुछ स्पोर्ट टूर्नामेंट खेलने वाले हैं और इसमें पीसी प्लेयर भी खेल पाएंगे। तो इसी के ऊपर ही देसी गेमर्स ने थोड़ा सा बात करते हुए क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए। सुन, एक बार मेरे को ना टूर्नामेंट खेलने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा आजकल। पीसी वालों को कहाँ खिलाया जाता है यार, अब फोन में आओ। अरे खिला जाता है पीसी वाले को, नेक्स्ट वीक देखना तुमको पता चलेगा। मैं नहीं बोलूंगा अभी, सरप्राइज। हमारा अगला न्यूज है रोकियन आरडीएक्स के बारे में। तो रोकी भाई ने ये कहा कि वो किसी स्पोर्ट टीम के एनालाइजर या फिर एनालिस्ट बनने वाले हैं और वो बहुत ही जल्दी इसका भी अनाउंसमेंट कर देंगे कि ये कौन सा स्पोर्ट टीम है। तो इसके ऊपर ही रोकी भाई ने क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए। आप फ्यूचर में क्या किसी स्पोर्ट्स टीम के कोच बन जाओगे? आई थिंक मैं बन चुका हूँ और इसका अनाउंसमेंट आपको कल परसों तक मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी साइंड होने वाला हूँ, तो तैयारी कर लीजिए। एक बहुत ही यू नो डिजर्विंग ई स्पोर्ट्स टीम के साथ मैं जुड़ने वाला हूँ एज अ एनालिस्ट, नॉट एज अ मैनेजर बट एज अ कोच। कोच एज अ एनालिस्ट आप कह सकते हो। तो मैं जुड़ने वाला हूँ और ये इसी हफ्ते अनाउंस हो जाएगा। जो एनालिस्ट का जॉब था वो मैं दोबारा से ले रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक ई स्पोर्ट्स टीम के साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाला हूँ एज अ एनालिस्ट, एज अ कोच, नॉट एज अ मैनेजर। मैनेजर उनके जो रहेंगे वही रहेंगे, एज अ कोच एज अ एनालिस्ट मैं रहूँगा। मेरा काम टीम को उनकी गलतियाँ बताना और उनकी नई स्ट्रेटजीज पे वर्क करना रहेगा। एंड विच टीम इट विल बी अनाउंस्ड प्रीटी सून। मैं अपने YouTube चैनल पे भी डालूंगा और तैयारी कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्द जो है रॉकी भाई आपको दिखने वाले एक नई स्पोर्ट्स टीम के साथ। एंड मैं वादा करता हूँ बार ई स्पोर्ट्स को नई मुकाम पे लेके जाऊंगा मैं। और इसके साथ ही जो फीफा एशिया चैंपियनशिप पे टीम इलीट को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था, तो उसी के ऊपर रोकी भाई ने ये कहा कि आपको ऐसे सपोर्ट बाकी स्पोर्ट टीम को भी करना चाहिए क्योंकि इंडिया से अगर कोई भी टीम जीतता है तो ट्रॉफी इंडिया में ही आएगा। तो इसके ऊपर ही रोकी भाई ने क्या कहा था, सुन लीजिए। टीम इलीट 2 times टॉप 3 में थी और एक बुया किया रोकी भाई, कोई दिक्कत नहीं ब्रो, अच्छा खेले। 8th पोजीशन एंड लास्ट मैच वाज बुया रोकी भाई। अरे भाई इलीट है भाई, कोई नहीं गाइस। और मुझे ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि चैट में एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है इलीट के बारे में, थैंक गॉड। और जैसा आप गाइस इलीट को सपोर्ट कर रहे हो ना, वैसे ही मैं कहूंगा सारी टीमों को कीजिए, सारी टीमों को, क्योंकि ये ई स्पोर्ट्स एथलीट है, इनको सिर्फ आपसे जो है थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस ना पैसों का ना किसी चीज का, सिर्फ वो सपोर्ट कि कोई बात नहीं, जो होगी देखी जाएगी। आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए हो, इंडिया की बेहतरीन ई स्पोर्ट्स टीम में से हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। सारी टीमों को इक्वली सपोर्ट कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई जीत के खिताब लाएगा तो इंडिया ही लाएगा, चाहे आइकॉनिक लाए, वासियो लाए, फौजी भाई लाए, इग्नाइट लाए, या राधे ठाकुर लाए, कोई भी, या लेजेंड लाए, कोई भी लाएगा इंडिया ही लाएगा। तो गाइज सबको इक्वली सपोर्ट कीजिएगा, मेरी ओर से तो हाथ जोड़ के यही दरख्वास्त है। अगला न्यूज गेमिंग ओरा के बारे में। तो गेमिंग ओरा ने ये बताया कि बहुत ही जल्दी उनका Q&A वीडियो आने वाला है। तो इसी Q&A वीडियो के ऊपर गेमिंग ओरा ने क्या कहा था, सुन लीजिए। बताता रहूं, मेरे ख्याल से Q&A लेके आ जाना चाहिए मुझे, क्योंकि हाँ। बहुत व्यू बटोरते हैं Q&A से। मेरे साथ प्लीज गिव मी अपॉर्चुनिटी। चल आ जा AU के साथ लेके आएंगे गाइस, AU के साथ लेके आएंगे। जल्दी अनाउंस करता हूं गिव वे का, वो गिव वे जो बोल रहा हूं। ए यार फ्री फायर है ना भाई, गिव वे निकलता मुंह से। Q&A और इसके साथ ही गेमिंग ओरा ने ये बताया कि इंडिया और नेपाल के प्लेयर मिल के एक साथ ऑफिशियल टूर्नामेंट खेल नहीं सकते, और अगर दोनों देशों के प्लेयर मिल के एक साथ एक टीम बना के ऑफिशियल टूर्नामेंट खेलते हैं तो उसमें काफी दिक्कत होता है। पर सेम सर्वर होने के बाद भी ऐसा क्यों होता है, उसके ऊपर गेमिंग ओरा ने क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए। ब्रो कैन इंडिया एंड नेपाली प्ले टूर्नामेंट इन सेम टीम प्लीज रिप्लाई, मुश्किल है। ऑफ कोर्स करंटली ऑफिशियल टूर्नामेंट खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं बट कलेश होता है, कलेश होता है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, खेल सकते हैं, खेलने के लिए मना ही नहीं है। नहीं, दिक्कत अलाउड है, बट दिक्कत ये है ना, जब कोई मर्चेंडाइज आती है जैसे FFIC या किसी भी टूर्नामेंट की मर्चेंडाइज आती है तो नेपाल के अंदर उसको शिप करना थोड़ा मुश्किल होता है। और नेपाल के अंदर दिक्कत ये है कि अगर नेपाली टीम इंडिया में बैठ करके टूर्नामेंट खेले तो ठीक है,
इंडिया में टूर्नामेंट खेल रहे तब तो ठीक है वो बैठ करके, बट अगर नेपाल में बैठ के खेलते हैं ना, दिक्कत ये होती है कि एक तो नेपाल में थोड़ा इंटरनेट का ऊपर नीचे होता है, हाँ, और दूसरी बात यह कि शिपिंग में दिक्कत हो जाती है, तीसरी बात यह कि नेपाल में फोटो शूट अरेंज कराना मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक बड़े टूर्नामेंट से पहले फोटो शूट कराना पड़ता है टीम्स का, आप देखते होंगे ना ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं, ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं, तो वही चीज करवाना, वो चीज करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ये चीज है कि वहां थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट ये नहीं है कि नेपाल को अलाउड नहीं है, अगर नेपाली नेपाली टीम्स अगर खेले तो ठीक है, बट इंडिया के साथ समअप होकर के थोड़ा मुश्किल है, अगर वो अंटिल अनलेस वो इंडिया में बैठ के नहीं खेलती, थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बट उसको कहीं ना कहीं फेस कर लिया जाता है, इतना तो मुझे डिटेल में नहीं पता है, बट हाँ जितने मेरे को जितनी बातें मैं बातें सुनी है मैंने नेपाली टीम से, वो ये कहते हैं कि नहीं यार ये चीज गड़बड़ है, मतलब ऐसा होता है प्रॉब्लम हमें। लाइक कर देना, बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है। प्ले फ्रॉम नेपाल ब्रो, वो अलग चीज है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको उसी कंट्री में जाके बैठना पड़ेगा, सारी टीम एक ही जगह होनी चाहिए फिर, या तो वो इंडिया में ही आ जाए, वो तो नेपाल में चले जाए। तो क्या आप लोग किसी ऐसे स्पोर्ट टीम को जानते हैं जिसमें इंडिया और नेपाल दोनों कंट्री के प्लेयर हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात करते हैं ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो ज्ञान गेमिंग ने सभी के लिए एक टारगेट दिया जिसको पूरा होने से वो कुछ रिवॉर्ड देंगे। तो टारगेट ये है कि आपको दिसंबर खत्म होने से पहले ही उनका 15 मिलियन सब्सक्राइबर कम्प्लीट करवाना होगा, और ऐसा अगर होता है तब वो क्या कुछ रिवॉर्ड देने वाले है उसके ऊपर ज्ञान गेमिंग ने क्या कुछ कहा था सुन लीजिए। 15 मिलियन पे 300, ठीक है, तो गाइस 300 बंदे को, ठीक है, चलो यार डन है, ठीक है, मगर मैं 4 लाख डायमंड इजीली दे पाऊंगा, 4 लाख तो डायमंड इजीली दे पाऊंगा, 4-5 लाख तो आजीली आ जाएंगे, दिक्कत नहीं है डायमंड देने में। तो जितनी बार देख रहे हो, अगर 300 रुपये इतना काफी है, ज्यादा लालच भुलवा देती है, तो 300 बंदे को मेरा दिसंबर से पहले अगर 15 मिलियन सब्सक्राइब हो जाती है तो 300 बंदों को मैं देने वाला हूं डीजी आलोक की बंडल। कि तुम लोग बोलोगे वोट इतना वोट लगे हो गैस, खुद देख लो गैस, यहाँ पे देख लो गैस, यहाँ पे आप लोग 61% डीजी आलोक की बंडल चाह रहे हो गैस, ओके, मेरा नहीं है ये, आप लोग मांग रहे हो गैस, ओके। फिर से और टीएजी जस्ट ने अपने इंस्टा पे ये स्टोरी शेयर किया और उसमें लिखा था ब्लॉग्स, यानी कि यह हो सकता है कि वो ब्लॉग्स वीडियो ला सकते हैं, और इसके साथ ही जस्ट ने इसमें अपना लोकेशन बताया पौंडीचेरी का, तो ये हो सकता है कि वो पौंडीचेरी का ब्लॉग्स वीडियो लाएंगे, तो अभी देखते हैं कि वो कैसा वीडियो लाते हैं। और असासिन्स आर्मी ने अपने चैनल पे ये कम्युनिटी पोस्ट किया और इसमें उन्होंने लिखा है फ्री फायर इनटू मनी हिस्ट का वीडियो आज सुबह 9 को लाइव होगा, तो अभी देखने वाली बात है कि ये किस तरह का वीडियो होता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो स्टार आर्मी ने कंप्लीट कर लिया है 300 के सब्सक्राइबर, और अनग्रेजुएट गेमर ने कंप्लीट कर लिया है 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सो कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम। और गाइस आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसके साथ ही आप लोग हमारे फ्री फायर फनी वीडियो चैनल चुटकी मार को भी जाके चेक कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो तब तक के लिए बाय।